हेलो गाइस, वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए, क्योंकि जो मैंने करीब शनिवार जो कॉल दिया था ना आपको, शेल्बी लिमिटेड और सुजलॉन तो छोड़ो, वो अपर सर्किट में है, बाकी के उसको टारगेट भी दिया था मैंने आपको, लेकिन जो स्विंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था हेल्थ सेक्टर का शेल्बी, वो उतना ज़बरदस्त भागना, एक ही दिन में करीब 9% रिटर्न दिया। अभी भी शायद वो भाग रहा है, मतलब अब बुलिश में है, ठीक है शेयर, लेकिन टारगेट ग्रिड के अपने ग्रिड के हिसाब से एग्जिट कर लेना। मेरा टारगेट कितना था, 192-200 था, ठीक है, स्विंग के लिए बोला था, एक ही दिन में हिट हो गया भाई, क्या बोलते हो, मजाक थोड़े ना, एक ही दिन में 9%। तो बुक कर लो अपना ग्रिड के हिसाब से, और ठीक है, नहीं तो एक अगर 200 का ऊपर निकल जाए तो 200 का ही एक सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना। ओके गाइस, अभी अभी जो मैं शेयर लेके आया हूँ आपके लिए, आज एक और शेयर लेके आया हूँ जो इसमें भी ना FIIs का हलचल है, ठीक है। मैं जो भी आपको पिछले दो शेयर भी बचाया उसमें भी FIIs का हलचल था, इसमें भी है, ये भी भागेगा, ठीक है। बात मान लो जितने भी शनिवार के दिन बात मान के लिए थे ट्रेड, आज तो उनका गजब का प्रॉफिट हो चुका होगा, ठीक है गाइस। और इसको देखेंगे, इस शेयर को पहले एनालिसिस करेंगे, ठीक है, नाम तो बाद में मैं आपको बताऊंगा, जिसको भी नाम देखने का चलो ना, तो पहले एनालिसिस देख लो, बाद में एग्जिट स्किप करके नाम के लिए मत चले जाना, ठीक है। पहले ये सुनो, टारगेट सुनो इसका, ठीक है, लॉन्ग ये स्विंग के लिए दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में भी आप सोच सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लॉन्ग टर्म में, मैं आपको स्विंग के लिए दे रहा हूँ, प्रॉफिट कम ऑफ एग्जिट हो जाओ, ठीक है। और भी शेयर आते हैं ना यार, लॉन्ग टर्म में क्यों फंस के रहोगे, और भी शेयर आते हैं ना उसमें भी कम ऑफ पैसे एग्जिट हो जाओ, ठीक है, लेकिन लॉस में मत करना, हमेशा लॉस मत करना, ओनली प्रॉफिट, हमारा मोटो ही ओनली प्रॉफिट। ओके गाइस, तो इस शेयर का नाम क्या है, नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, सॉरी। देखो शेयर का टारगेट सुन लो पहले, इसका पहला टारगेट होने वाला है स्विंग के लिए, बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा आपको, करीब 160 का पहला टारगेट है इसका, ठीक है, 160 का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट 180-190, ओके, पहले सुनो, मोटा मोटा ही सुन लो, फर्स्ट टारगेट 160, सेकंड टारगेट डायरेक्ट 190, ओके, 200 भी टच कर सकता है, अगर आप इसमें 2 महीने देंगे तो 200 बहुत जल्दी टच करेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मीन्स बुलिश में अगर ये एक ही दिन में जा सकता है, वैसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दबा कर आई है FIIs की बाइंग, ठीक है, और कंपनी बहुत ही पिछले क्वार्टर में इसका पिछले क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आया है इसका, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेंगे इसका फंडामेंटल, अभी मैं लाइव मार्केट पे हूँ, अभी इसका करंट प्राइस कितना है पता है, 148 पे करीब ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 148। अभी यहाँ देखो डे का छोटा सा ब्रेकआउट देगा, करीब 149 पे ही बोलो, ठीक है, छोटा सा ब्रेकआउट देगा, अभी भी 5% अप है शेयर, लेकिन बढ़िया है स्विंगर्स के लिए, ठीक है। और अगर आपको इसका फंडामेंटल बता दो, फंडामेंटल देखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि देखो इसका नाम क्या है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन माइनिंग ऑफ कॉपर एंड कॉपर ओर, इंक्लूडिंग बेनिफिशिएशन ऑफ मिनरल्स smelting and refining. The company has copper mines and concentrator plants in Malanjgaon copper project at Madhya Pradesh. इतना तो बस हो गया हमको, ऑल अबाउट कॉपर का ही नाम से पता चलेगा यार, कॉपर का ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इसके ऊपर, ठीक है। मेन ये देख लो, कंपनी स्टडी स्टेप्स वो हमको चाहिए भी नहीं, इसका पीयर्स में भी दूसरा नंबर पर है, और हमको क्या चाहिए था पता है, इसका एक बार FIIs के ऊपर से FIIs का डेटा हम समझ लेंगे। FIIs का डेटा देखोगे आप, देखो इसमें देखो शेयर होल्डिंग आप समझ सकते हो कि ये भी बढ़िया लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप सोच सकते हो, मैंने बोला ना मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इसको बाई मत करो, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कोई भी ये सोच लो, आप आपके हिसाब से ले सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें प्रमोटर बहुत तगड़े हैं, 76% का प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन मेरा जो इसमें नज़र आई वो है FIIs हमारे, ठीक है, हमारे इधर देख सकते हो, एक मिनट आपको मैं दिखा दूँ, देखो FIIs का बाइंग बढ़ते हुए नजर आ रहा है, मतलब इस शेयर में कुछ भी कभी भी 10% का भी आपको रिटर्न दे सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 200 का 190 का टारगेट पक्का, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये समझो पहले, और ऊपर से हम इसका नज़र डालते हैं, ठीक है, इसके क्वार्टर के ऊपर, अगर क्वार्टर देखोगे माइनस पे था मुझे लगता है कंपनी, देखो कंपनी जो मार्च 2014 पे जो सेल्स बहुत इंक्रीज किया, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट अगर देखोगे क्वार्टरली बेसिस पर तो आपको पता चलेगा माइनस, देखो बहुत ही बड़ा माइनस में, अब माइनस बहुत ही उनका कम करके, जो इसका लॉसेस है उसको कम करके, ट्रिपल डिजिट का लॉस था उसको कम करके 37 डबल डिजिट पर आया, मतलब बोल सकते हो बावजूद जो ये पेंडेमिक के कंपनी ने शानदार रिजल्ट दिखाया है, मतलब इसको भी कंपेयर करूँगी अगले क्वार्टर को तो अगले क्वार्टर भी बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ओवरऑल आप भी बोल सकते हो बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इसका सेल्स, और इसका प्रॉफिट जो है बहुत ही बढ़िया, मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है, 569 टू डायरेक्ट 999, बहुत ही बड़ा लॉस है, 999 प्रॉफिट, ये बहुत ही बड़ा बाउंस बैक होता है एक कंपनी के लिए, ठीक है, जो एक कंपनी क्या दिखा रहा था, डबल डिजिट में प्रॉफिट दिखाया, ठीक है, ट्रिपल डिजिट में भी प्रॉफिट दिखाया, लेकिन एकदम ने लॉस किया बहुत बड़ा तरीके से, हाँ, जितना पिछले साल का कंपेयर करके एकदम लॉस किया उसको सब एक ही झटके में भी वापस ले लिया, देखो लॉस तो रिकवरी किया प्लस, देखो लॉस तो रिकवर किया प्लस से कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया ट्रिपल डिजिट का, ये बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं आखिर में भी कह रहा हूँ आपको इसमें FIIs का हलचल है, ठीक है, मैं पिछले वीडियो भी 2 FIIs के हलचल के ऊपर ही बनाया था, हाँ, वो कितना आपको रिटर्न दिया कि एक ही दिन में, ठीक है, इसके ऊपर भी ऐसा हो सकता है नहीं होगा, शॉर्ट कॉल है, ठीक है, ये शॉर्ट कॉल है, पिछले वाला भी शॉर्ट कॉल था, ये भी शॉर्ट कॉल है, आप एक बार इसके ऊपर नज़र बना के रखो यार, बाई कर लेना नज़र, अच्छा मैं आपको बाई का एक बार दे दूँ, कितने पे बाई करना है,
तो रुको एक मिनट गाइस, देखो असल में आपको आज ही बाइक करना था, लेकिन मैंने आप थोड़ा रैली से पीछे हट गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें रैली है, बहुत तेज़ी है, बहुत बड़ा है, ठीक है। आप जितने भी 150 पे बाइक कर सकते हो, मीन्स आप कल मंगलवार, कल कल के दिन के लिए बता रहा हूँ मैं, आप जितने भी 9:30 पे जितने रेट पे भी आपको शेयर मिले ना, बाइक कर लो, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो उतना ज़्यादा उठा लो, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी से ही आपको प्रॉफिट दिखेगा। ओके गाइस, ओके भाई, तो आपको हो गया 9:30 पे, कल 9:15 पे मत करना, कई लोग पागल होते हैं जो 9:15 पे जाके घुस जाते, मत घुसना 9:30 पे, घुसना 9:30, 30 to 35 के आसपास घुसना, ठीक है। इसमें 960 का आराम से देगा, मिनिमम आपको 10% देगा, बहुत ही शॉर्ट, मतलब एक दिन में भी दे सकता है, एक दो दिन में भी दे सकता है, लेकिन अगर एक 1 to 2 months वेट करो अगर आपको 200 का टारगेट चाहिए। ओके गाइस, बाय बाय। और आपको वैसे भी वीडियो चाहिए, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट कॉल होता है मेरा सब कुछ। आप मेरा एक चैनल पे जो भी मैं बैक टेस्ट किया, जो भी मैंने वीडियो डाला हूँ शेयर्स के ऊपर, उसको बैक टेस्ट कर लो जितने टाइम पे, ओके, जिन टाइम पे मैं वीडियो डाला हूँ उसके अगले दिन शेयर्स क्या हुआ, एक बैक टेस्ट कर लो। ओके गाइस, बाय।